नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है, पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों, और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें मूवी के बारे में, तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लानतेन, या फिर कह सकते हैं लाटे, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में, तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है, और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है, पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी YouTube पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को YouTube से देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये जो मूवी है वो YouTube पर उपलब्ध नहीं है, और ना ही शायद YouTube पर आएंगी, पर मूवी को अगर आपको देखना है तो सैमारू मी ऐप पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को सैमारू मी ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो सैमारू का बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया, बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी सैमारू मी ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नम्रिता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल अय्यर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भैतिया, बिरन ढांग, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों, आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। जो कि दोस्तों, मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी, हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो हमें टी सीरीज़ पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि काफ़ी कमाल की है, और एक ऐसी वो ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है, पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुँच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखें, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है।
जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है, क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है, तो मूवी को देखिए श्यामा रूमिया पर जाकर, वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस कमाल की मूवी को श्यामा रूमिया पर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लांटेन, या फिर कह सकते हैं लाटेन, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है। 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को यूट्यूब से देख सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही शायद यूट्यूब पर आएंगी, पर मूवी को अगर आपको देखना है तो श्यामा रूमी ऐप पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को श्यामा रूमी ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो श्यामा रूमी का बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी से हमारू मैं यहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं।
चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नम्रता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल अय्यर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भैतिया, बिरन ढांग और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। जो कि दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी, हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि काफ़ी कमाल की है, और एक ऐसी वो ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है, पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखें, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात कर तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है, क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है, तो मूवी को देखिए सिनेमा में पर जाकर, वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस कमाल की मूवी को सिनेमा में ऊपर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर, और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों, और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लालटेन, या फिर कह सकते हैं लालटेन, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी, इन्होंने
इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है, और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसी ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है, पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को यूट्यूब से देख सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही शायद यूट्यूब पर आएंगी, पर मूवी को अगर आपको देखना है तो श्यामारू मी ऐप पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को श्यामारू मी ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो श्यामारू का बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया, बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी श्यामारू मी ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नम्रता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल नय्यर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भैतिया, बिरन ढांग और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देखे होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी, हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि काफ़ी कमाल की है, और एक ऐसी वो ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है, पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखें, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है, क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है, तो मूवी को देखिए श्यामारू मी ऐप पर जाकर, वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि ये आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर, या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना,
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस कमाल की मूवी को सिनेमा में पर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर, और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊँगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊँगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों, और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहां पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो बात करें मूवी के बारे में, तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लालटेन, या फिर कह सकते हैं लालटेन, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में, तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है, और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है, पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को यूट्यूब से देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये जो मूवी है वो YouTube पर उपलब्ध नहीं है, और ना ही शायद YouTube पर आएंगी, पर मूवी को अगर आपको देखना है तो सिनेमारूम मी ऐप पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को सिनेमारूम मी ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो सिनेमारूम का बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया, बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी सिनेमारूम यहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नामरिता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल लैयर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भतिया, बिरन ढांग और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों, आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेड है वो देखे होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी, हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेड है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज है जो कि काफ़ी कमाल की है, और एक ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है, पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुँच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखें, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए,
आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी ही, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है, क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है, तो मूवी को देखिए सिनेमाघर में पर जाकर, वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर, या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस कमाल की मूवी को सिनेमाघर में पर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर, और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है, पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों, और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें मूवी के बारे में, तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लालटेन, या फिर कह सकते हैं लाटे, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में, तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है, और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है, पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी YouTube पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को YouTube से देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो YouTube पर उपलब्ध नहीं है, और ना ही शायद YouTube पर आएंगी, पर मूवी को अगर आपको देखना है तो सिनेमाघर में ऐप पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को सिनेमाघर में ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो सिनेमाघर का बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया, बट आप चेक कर सकते हैं।
अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी से हमारू मैं यहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नम्रता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल अय्यर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र बहतिया, बिरन ढांग और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी, हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज है जो कि काफ़ी कमाल की है, और एक ऐसी वो ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है, पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुँच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखें, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है। क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है, तो मूवी को देखिए श्यामा रूम पर जाकर, वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले ही देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर, या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस कमाल की मूवी को श्यामा रूम पर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर, और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों, और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लालटेन, या फिर कह सकते हैं लाटेन, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी,
क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 7.4 की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है। 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रनटाइम काफ़ी कम है पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को यूट्यूब से देख सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही शायद यूट्यूब पर आएंगी। पर मूवी को अगर आपको देखना है तो श्यामारू मी ऐप पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को श्यामारू मी ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो श्यामारू का बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया, बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी श्यामारू मी ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नामृता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल अय्यर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भैतिया, बिरन ढांग और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी, हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि काफ़ी कमाल की है, और एक ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है, पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखें, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात कर तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है, क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है, तो मूवी को देखिए श्यामारू मी ऐप पर जाकर,
वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा, और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले ही देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर, या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस कमाल की मूवी को सिनेमा में ऊपर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर, और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है, पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों, और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें मूवी के बारे में, तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लालटेन, या फिर कह सकते हैं लाटेन, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में, तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है। 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है, और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में, तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है, पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी YouTube पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को YouTube से देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो YouTube पर उपलब्ध नहीं है, और ना ही शायद YouTube पर आएंगी, पर मूवी को अगर आपको देखना है तो सिनेमारो मी ऐप पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को सिनेमारो मी ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो सिनेमारो का बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया, बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी से हमारू मैप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नामरिता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल अय्यर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भैतिया, बिरन ढांग और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों, आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी।
क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि काफ़ी कमाल की है, और एक ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है, पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात कर तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है, क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है, तो मूवी को देखिए श्यामा रूमिया पर जाकर, वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर, या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस कमाल की मूवी को श्यामा रूमिया पर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर, और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों, और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लांटेन, या फिर कह सकते हैं लाटेन, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है, और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है,
मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को यूट्यूब से देख सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही शायद यूट्यूब पर आएंगी, पर मूवी को अगर आपको देखना है तो श्यामारू मी ऐप पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को श्यामारू मी ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो श्यामारू का बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी श्यामारू मी ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नम्रिता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल लैयर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भैतिया, बिरन ढांग और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी, हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि काफ़ी कमाल की है और एक ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है, पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुँच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखें, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात कर तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है, क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है, तो मूवी को देखिए श्यामारू मी ऐप पर जाकर, वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस कमाल की मूवी को श्यामारू मी ऐप पर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा।
तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी। साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों, और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें मूवी के बारे में, तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लालटेन, या फिर कह सकते हैं लाटेन, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में, तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 7.4 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है। 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है, और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है, पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को यूट्यूब से देख सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है, और ना ही शायद यूट्यूब पर आएंगी। पर मूवी को अगर आपको देखना है तो सैमारू मी ऐप पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को सैमारू मी ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो सैमारू का बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया, बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी सैमारू मी ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नम्रता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल नय्यर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भैतिया, बिरन ढांग, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देखे होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी, हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि काफ़ी कमाल की है, और एक ऐसी वो ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, और एक यादगार भी रहती है। पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखें, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है, और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है।
क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है। तो मूवी को देखिए श्यामा रूमिया पर जाकर, वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि ये आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर, या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस कमाल की मूवी को श्यामा रूमिया पर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर, और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों, और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें मूवी के बारे में, तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लालटेन, या फिर कह सकते हैं लाटेन, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में, तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है। 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है, और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है, पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को यूट्यूब से देख सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है, और ना ही शायद यूट्यूब पर आएंगी। पर मूवी को अगर आपको देखना है तो श्यामा रूमी ऐप पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को श्यामा रूमी ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो श्यामा रूमी का बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया, बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी से हमारू मैप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नम्रिता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल अय्यर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भतिया, बिरन ढांग, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं।
जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेड है वो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेड है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज है जो कि काफ़ी कमाल की है, और एक ऐसी वो ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है, पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखें, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है। क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है, तो मूवी को देखिए श्यामार में पर जाकर, वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर, या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस कमाल की मूवी को श्यामार में ऊपर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर, और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों, और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लांटेन, या फिर कह सकते हैं लाटे, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है, और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है,
और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे। स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है, पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी। क्या ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है? हम इस मूवी को यूट्यूब से देख सकते हैं? दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही शायद यूट्यूब पर आएंगी। पर मूवी को अगर आपको देखना है तो श्यामारू मी ऐप पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को श्यामारू मी ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो श्यामारू का बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया, बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी श्यामारू मी ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नम्रता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल अय्यर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भैतिया, बिरन ढांग और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी, हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज है जो कि काफ़ी कमाल की है, और एक ऐसी वो ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है। पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखें, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी। साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है। क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है। तो मूवी को देखिए श्यामारू मी ऐप पर जाकर, वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले ही देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर, या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस कमाल की मूवी को श्यामारू मी ऐप पर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है,
मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है, पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों, और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें मूवी के बारे में, तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लालटेन, या फिर कह सकते हैं लाटे, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में, तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है, और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है, पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को यूट्यूब से देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है, और ना ही शायद यूट्यूब पर आएंगी। पर मूवी को अगर आपको देखना है तो सैमारू मी ऐप पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को सैमारू मी ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो सैमारू का बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया, बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी सैमारू मी ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नम्रता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल अय्यर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भैतिया, बिरन ढांग और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों, आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देखे होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी, हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि काफ़ी कमाल की है, और एक ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है, पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखें, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है,
तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात कर तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो ये इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है। क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है। तो मूवी को देखिए सिनेमाघरों में पर जाकर, वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले ही देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर, या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस कमाल की मूवी को सिनेमाघरों में पर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर, और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों, और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लालटेन, या फिर कह सकते हैं लाटेन, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है, और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा तो आप इन फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को यूट्यूब से देख सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही शायद यूट्यूब पर आएंगी, पर मूवी को अगर आपको देखना है तो सिनेमाघरों में ऐप पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को सिनेमाघरों में ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो सिनेमाघरों का बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया, बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं।
बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी से हमारू मियाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नम्रता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल अय्यर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भैतिया, बिरन ढांग और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी, हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि काफ़ी कमाल की है, और एक ऐसी वो ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है, पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखें, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात कर तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है। क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है, तो मूवी को देखिए श्यामा रूमिया पर जाकर, वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले ही देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर, या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस कमाल की मूवी को श्यामा रूमिया पर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर, और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों, और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लालटेन, या फिर कह सकते हैं लाटेन, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है।
डायरेक्टर मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है, और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है, पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को यूट्यूब से देख सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है, और ना ही शायद यूट्यूब पर आएंगी। पर मूवी को अगर आपको देखना है तो सैमारू मी ऐप पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को सैमारू मी ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो सैमारू का बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया, बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी से हमारू मैप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नामरिता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल लैयर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भैतिया, बिरन ढांग और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी, हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज है जो कि काफ़ी कमाल की है, और एक ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है, पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखें, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है। क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है, तो मूवी को देखिए सैमारू मैप पर जाकर, वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर, या फिर नहीं आई होगी अब तक।
अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस कमाल की मूवी को सिनेमा में पर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना है, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊँगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊँगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहां पर देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो बात करें मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लालटेन, या फिर कह सकते हैं लालटेन, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है। 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रनटाइम काफ़ी कम है पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को यूट्यूब से देख सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये जो मूवी है वो YouTube पर उपलब्ध नहीं है और ना ही शायद YouTube पर आएंगी, पर मूवी को अगर आपको देखना है तो सिनेमारूमी ऐप पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को सिनेमारूमी ऐप से देख सकते हैं, हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो सिनेमारू का बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी सिनेमारूम ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नामरिता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल लैयर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भतिया, बिरन ढांग और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी, हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि काफ़ी कमाल की है और
एक ऐसी वो ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है, पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है, क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है, तो मूवी को देखिए सिनेमाघर में पर जाकर, वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस कमाल की मूवी को सिनेमाघर में पर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर, और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों, और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें मूवी के बारे में, तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लालटेन, या फिर कह सकते हैं लालटेन, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में, तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो आईएमडीबी है वहां पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है। 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है, और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है, पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी YouTube पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को YouTube से देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी है वो YouTube पर उपलब्ध नहीं है, और ना ही शायद YouTube पर आएंगी,
पर मूवी को अगर आपको देखना है तो सैमारू मी ऐप पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को सैमारू मी ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो सैमारू का बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया, बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी सैमारू मी ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नम्रिता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल अय्यर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भैतिया, बिरन ढांग और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेड है वो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी, हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेड है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज है जो कि काफ़ी कमाल की है, और एक ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है, पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुँच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखें, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है। क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है, तो मूवी को देखिए सैमारू मी ऐप पर जाकर, वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर, या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस कमाल की मूवी को सैमारू मी ऐप पर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर, और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा, जिस मूवी को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है, पर आप में से बहुत लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस मूवी का मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में मूवी कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो इस मूवी के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेंगी, साथ में मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। काफ़ी सही मूवी बनी है दोस्तों, और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आपके दिल को ज़रूर छू लेंगी। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में, कहानी क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ।
तो बात करें मूवी के बारे में, तो इस मूवी का नाम दिया गया है जग्गू की लालटेन, या फिर कह सकते हैं लाटे, जो भी आप कहें, बट इस मूवी का टाइटल ऐसा ही है। अगर आगे बात करें मूवी के बारे में, तो रेटिंग जो है मूवी की काफ़ी शानदार आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है। 2.5 स्टार मिले थे इस मूवी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कहलाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विपिन कपूर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंसान है रियल लाइफ में भी। इन्होंने इस पहली मूवी है जो इन्होंने बनाई है, और इसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी बनाई नहीं है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें इनकी कुछ और कमाल की ऐसे ही मूवी देखने को मिले। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को जो है प्रोड्यूस किया था प्रीति गुप्ता ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर भी है, और मैं जो है उनका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वो इंडिया और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पर वो रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मूवी के बारे में। तो मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही लगी मुझे, स्पेशली इस मूवी के अंदर जो शूटिंग है वो एक अलग जगह पर की गई है। मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है, पर मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देख सकते हैं टी सीरीज़ पर जाकर, जहाँ पर आपको इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मूवी हमें कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है, हम इस मूवी को यूट्यूब से देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये जो मूवी है वो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है, और ना ही शायद यूट्यूब पर आएंगी। पर मूवी को अगर आपको देखना है तो सैमारू मी ऐप पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को सैमारू मी ऐप से देख सकते हैं। हो सकता है कि वह मूवी फ्री में अवेलेबल हो, क्योंकि जो सैमारू का बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट है जो कि फ्री में उपलब्ध रहता है, जो कि मैंने चेक नहीं किया, बट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो पेड होगी तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि महंगी नहीं आती है, थोड़ी सस्ती है दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। बाकी मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर वो आपकी चॉइस है अगर आपको देखना है तो। बाकी मूवी सैमारू मी ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो नम्रिता मल्ला, इसके अलावा रघुवीर यादव, सलीम जैदी, राजगोपाल अय्यर, नीरज गुप्ता, रणबीर आर्या, राजेंद्र भैतिया, बिरन ढांग, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया हुआ है। इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मनीष सहरिया रहते हैं, सॉरी सहरिया है, जो कि काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों, आप जो है वो इस मूवी का जो ट्रेलर है वो देखे होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की जो है कहानी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, मैंने काफ़ी रिसर्च की इस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही थी, हिट रही थी, तो इसके बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे जो है दूसरी मूवीज़ के मुकाबले बहुत ही कम आर्टिकल छपे हैं। अच्छा हुआ कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो हमें टी सीरीज पर देखने को मिला, वरना शायद आपको इस मूवी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज है जो कि काफ़ी कमाल की है, और एक ऐसी वो ऐसी मूवीज़ बनती है जिसे हम पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और एक यादगार भी रहती है, पर ऐसी मूवीज़ के कम प्रमोशन के चलते वो मूवीज़ हम तक नहीं पहुँच पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कमाल की मूवी को एक बार देखें, आपको मूवी अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप आपकी पूरी फैमिली के साथ देखिए, आप सभी को मूवी दोस्तों अच्छी लगेंगी, साथ में इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मूवी के बारे में कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो अगर जो मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो एक इंसान की होती है जिसका नाम हरिलाल होता है, जो कि एक ईमानदार आदमी है जिसने कबाड़ का सौदा करने के लिए बहुत पैसा कमाया है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो अपनी किस्मत से निराश रहता है और उसे अपने जीवन को पटरी पर लाने में मदद करने का फैसला करता है। तो यह इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है, पर यह मूवी दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगने वाली है, क्योंकि रोज़ाना जो है वो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी जो है वो होती रहती है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके जीवन में आते हैं जो कि उनको उन परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम करता है हरिलाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये काफ़ी सही मूवी है, तो मूवी को देखिए सैमारू मी ऐप पर जाकर,
वहाँ पर आपको मूवी मिलेंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप देख सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद आप यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा, और यहाँ पर आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। मैंने दोस्तों इस मूवी को बहुत पहले ही देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मूवी हमें टीवी पर देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि टीवी पर आ भी चुकी हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत ही शायद कम आई होगी टीवी के ऊपर, या फिर नहीं आई होगी अब तक। अगर इस मूवी को टीवी के ऊपर रिलीज़ किया जाता है या फिर आती है तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। आप सभी लोग हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में दोस्तों न्यूज़ मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस कमाल की मूवी को सिनेमा में ऊपर जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम समय जाता है। मूवी दोस्तों जो है काफ़ी सही बनी है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको मूवी अच्छी लगेगी।